वाइस, मेरा नाम है लक्की और आप देख रहे हो गेमर नॉट फाउंड। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं माइनक्राफ्ट में फ़ोन में और जावा की तरह कैसे खेल सकता हूँ। मतलब उसमें आपको माउस भी दिखेगा, आप सारे कंट्रोल्स आपके पीसी जैसे रहेंगे। मैं कीबोर्ड के साथ आपको खेल के दिखाता हूँ। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले पॉकेट एडिशन चाहिए अपने फ़ोन में, जो माइनक्राफ्ट होता है नॉर्मली, वो एक फ़ोन चाहिए अच्छा खासा बढ़िया, और जिससे बैटरी बैकअप बढ़िया हो। तो और तीसरी चीज़ आपको चाहिए ये, जिसमें तीन पोर्ट, चार पोर्ट हो, चार पोर्ट होना जरूरी है, नहीं तो आपका माउस काम नहीं करता है। और फिर आपको चाहिए एक OTG, मेरा सी टाइप है तो मैं सी टाइप यूज़ कर रहा हूँ, सी टाइप ही यूज़ होगा ना इसलिए। और उसके बाद आपको चाहिए एक माउस, जो कि ये है, बढ़िया सा माउस चाहिए आपको, और बढ़िया ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरा वाला रहता है तो वो काम नहीं करता है, उसका क्रॉस वायर ऐसे होगा और जब क्लिक करके फाइट करोगे तो उस समय आपका गेम कट जाएगा। और दूसरा चीज़ आपको चाहिए एक कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड, आप ऐसा वन हैंड वाला कीबोर्ड भी ले सकते हो, जो आधा रहता है, ऑलमोस्ट जितना रहता है वो भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। और इसी से आपको मैं अभी खेल के दिखाऊंगा करूँगा। ये एक स्टैंड है जो आप ऐसे लगा सकते हो, यस, इसको आप रख के नॉर्मली अपना फ़ोन इस पे रख सकते हो, ऐसा कुछ ऐसे हो जाएगा तो आप इजीली यहाँ से खेल सकते हो ऐसा। उसके लिए पहले आपको मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। नॉर्मली ये जो OTG है, हमको ये जो है इसमें लगाना है, यहाँ पे OTG में, TG लगाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। आपको इस OTG को अपने फ़ोन में इधर डाल लेना है, जहाँ आप चार्जर लगाते हो। जैसे ही आप अपने फ़ोन में लगाओगे, आपके फ़ोन की स्क्रीन भी चालू हो जाएगी और यहाँ पे एक लाइट भी जलनी चालू हो गई है, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। ये है OTG और ये है वो USB जिसमें फोर पोर्ट है। आपको पहले अपना माउस लेना है, माउस ले लीजिए आप। अपना माउस लाने के बाद आपको अपना ये जो पिन है ये इसके अंदर लगा देना है माउस में। माउस में लाइट जलने लगी, ये गेमिंग माउस है, आप कोई भी माउस यूज़ कर सकते हो, लेकिन बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो आपका गेम बार बार कट जाएगा। माउस लगाने के बाद आपको कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड लेके आते हैं। कीबोर्ड ये है, ये कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये कीबोर्ड का वायर भी आपको इसी में डाल देना है। और कीबोर्ड का वायर भी मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे लाइट जलनी चाहिए, लाइट जल चुकी है। और अभी आपको अपने फ़ोन को अनलॉक करना है, मैं अनलॉक करता हूँ 1 मिनट। अनलॉक करने के बाद आपको अपना माइंड, अलग चीज़ मिल गया था भाई, आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है। माइनक्राफ्ट, ये रहा आपका माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे रख देना है, रख देना है थोड़ा पास में लिख जाते हैं ताकि सब दिख जाए आपको। ये वायर्स का थोड़ा साइड कर लीजिए, कीबोर्ड वगैरह की वायर्स को साइड कर लीजिए। साइड करने के बाद आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। साइड करने के बाद आपका जब माइनक्राफ्ट खुल जाए तो आप देखिए कि यहाँ पे एक माउस आ जाएगा। ये रहा आपका माउस, आपका ब्लैक कलर का भी आ सकता है माउस, मेरी आईडी गई इस यहाँ पे। और आपको पहले इस माउस वर्ल्ड बनाना है, एक वर्ल्ड बना लेते हैं। देखिए हम स्पॉन हो चुके हैं। स्पॉन होने के बाद देखिए अब माउस को जैसे ही मैं लाऊंगा, इधर माउस देखिए और इधर वो स्क्रीन देखिए, ये देख रहे हैं माउस के साथ एकदम स्क्रीन, और ये उसी प्लस वाले मोड में है, एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है फुल। और मैं आपको चलने के लिए ये बटन्स काम नहीं करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चलने के लिए ये वाले बटन्स कभी काम नहीं करते कीबोर्ड में। आपको माइनक्राफ्ट के लिए ये वाले बटन्स, W से आगे जाता है, देख लीजिए, ये देखिए W से आगे जाएगा, S से पीछे आएगा, और A से लेफ्ट साइड को जाएगा, और D से राइट को जाएगा। F5 से आपके सारे मोड्स चेंज होंगे, एक्टिव मोड, ये वाले मोड्स। स्पेस से आपका जंप होता है, आपको जो सारे कंट्रोल्स है, ई से इन्वेंटरी भी खुलता है, आपको बता दूं। और जो आपको सारे कंट्रोल्स है वो देखने के लिए, अगर आप मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ई एस से दबाइए, ये वाली दबाइए, ये वाली की, जिससे ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद आपको नॉर्मली अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कीबोर्ड एस माउस में जाना है। कीबोर्ड एस माउस वाले में सेंसिविटी और देख सकते हैं, ये अटैक, अटैक एंड डिस्ट्रॉय, जैसे कि जैसे आप तोड़ोगे और फाइट करोगे
उसका बटन है, आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। माउस के लिए क्लिक करना अपना जिसमें माउस में सेट करना है, तो माउस का लेफ्ट वाला बटन वन होता है, पिक एज ब्लॉक वो जो ये होता है आपका ये स्क्रोलर, जैसा आप उस पर स्क्रोल पर क्लिक करोगे तो वही ब्लॉक आपके इन्वेंटरी से बाहर आ जाएगा हॉट बार में। और ये यूज आइटम एज प्लेस आइटम, जिससे आप ब्लॉक्स लगाओगे और दरवाजे वरवाजे करोगे तो ये वाले क्लिक से कर सकते हैं आप। इसी क्लिक से रैंडम होता है, सेट ही रहता है इसी क्लिक से। और उसके बाद हो गया आप ड्रॉप आइटम क्यू से, आप इसको पूरा चेंज कर सकते हो नीचे और इन्वेंट्री से ही, और इससे वो जो चेंज होता है आपका पर्सन। और शिफ्ट से क्राउच होगा, एफ से मैंने भागने का रख रखा है, आप शिफ्ट से भी कर सकते हो और बाकी से भी कर सकते हो। ये से हो गया ओपन चैट के लिए टी करना, और कमांड्स लिखने के लिए स्लैश करना, इमोट के लिए बी करना है, यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। और टच में जाके आप, अगर आपका ऐसा ना आए स्क्रीन पे प्लस वाला ऑप्शन, तो ये वाले ऑप्शन का आप ऑन कर सकते हैं, उससे आपका ऑन हो जाएगा। और ख़त्म हो गया। और हाँ गाइस, इससे आप फुल एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो लाइक पीसी प्लेयर। फ़ोन में खेल रहा हूँ, ये कोई वीडियो नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये कोई वीडियो नहीं है बिल्कुल भी। अगर जैसे ही आप इस स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपका पी वाले कंट्रोल्स वापस आ जाएंगे, ऐसे आपका ये हॉट बार है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।